प्रदेश की जो सरकार है ये चारों खाने चित है। 15 महीनों के अपने शासन काल में इन्होंने कर्मचारियों, पेंशनरों और बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया, और जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि हम कर्मचारियों पेंशनों को एरियर देंगे, जो पिछला पेंडिंग डिमांड है वो सब करेंगे। परंतु आप देखिए कि हालात आज ऐसे हैं कि ना कर्मचारी पेंशनों को एरियर मिला है पंजाब वेतनमानों का, और जो 16% डीए है वो भी नहीं मिला है। इसके अलावा आप देखिए जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा था पेंशनों का, वो भी मतलब जो है 30 करोड़ के लग बह गए, वो भी इन 15 महीनों में नहीं मिला है। 2000 से ऊपर पेंशनर बिना इलाज के मर गए, और इनको कोई चिंता नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जब अभी दिल्ली अपने इलाज के लिए गए तो 17 लाख रुपए खर्च कर लिए, इनको मिल गया पैसा, एमएलओ को मिल रहा है, मंत्रियों को मिल रहा है, तो कर्मचारी पेंशनों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये कहते हैं कि आज ये कह रहे हैं कि हम तो भैया बात यह है कि चारों सीटें जीतेंगे, विधानसभा के बाई इलेक्शन जीतेंगे, किसी हिसाब से जीतेंगे, ना तो इनको कर्मचारी वोट देगा, ना पेंशन इनको वोट देगा, ना जो बेरोजगार है वो भी इनको वोट नहीं देगा। इनकी जो गारंटियां सारी फेल हुई है। आप इस बात को देखो कि इन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव से पहले कि महिलाओं को 1500-1500 रुपए देंगे, फार्म भी भरे गए पूरे प्रदेश में, वो भी जो है 15 महीनों में नहीं मिला। अब लोकसभा के इलेक्शन आए तो फिर उन्होंने एक प्रचंड और रच दिया कि अधिसूचना निकाल दी कि अब 23 लाख महिलाओं को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ जो 5 लाख महिलाएं प्रदेश में जिनके घर से कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशनर नहीं है उनको मिलेगा सिर्फ 1500 रुपए, वो भी एक महिला को। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि अगर मैं एक घर में अगर 4 महिलाएं की आज सरकार अस्थिर है, वेंटिलेटर पे है ये सरकार, और आप किसने किया? बीजेपी ने तो किया नहीं है, किसी कर्मचारियों ने नहीं किया है, ये सिर्फ प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने जो ताना बाना हॉली लॉज में बुना, और 6 कांग्रेस के विधायक चले गए, 3 इंडिपेंडेंट चले गए, और उनको तो भेज दिया, खुद फिर बाद में सुखू से मिल लिए। तो इन्होंने अपनी जो पोजीशन है पूरे प्रदेश में खराब कर दी है, तभी आज प्रतिभा सिंह जो है चुनाव लड़ने से मना कर रही है, विक्रमादित्य को आगे कर रहे हैं। विक्रमादित्य तो अणछट बयानबाजी कर रहा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं चल रहा है। अरे अगर कंगना रावत है वो सेलिब्रिटी है, उसने देश और दुनिया में नाम कमाया है, हिमाचल का भी नाम कमाया है उसने, और दूसरी बात यह है कि विक्रमादित्य को ऐसी बयानबाजी देने से पहले अपने गिरे पान पर इसको झांकना चाहिए कि तेरे अपने घर में क्या है। अपनी महिलाओं को तू धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, तू अब दूसरी महिलाओं के बारे तेरे को बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। पहले अपना घर देखो फिर दूसरे पे कमेंट करो। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शासनकाल में कर्मचारियों और पेंशनों को जो है 50-50 हज़ार एरियर भी दिया, और डीए की इंस्टॉलमेंटें भी दी, और मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा जो है हर महीने मिलता था, परंतु आज वो स्थिति सारी खत्म कर दी है। जयराम ने सबसे बड़ा ये काम ये किया कि 2 लाख जो कर्मचारी, 2 लाख जो पेंशनर थे उनको जो है 5-10-15% का जो वित्तीय लाभ दे करके इतिहास रचा। आज उसके वोट बैंक है जयराम के, 2 लाख जो पेंशनर है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस अब खत्म है, और इसके बाद कांग्रेस का अध्याय खत्म है। मैंने तो ये भी कहा देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री महोदय आप भ्रष्टाचार के ऊपर अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं लोगों को, परंतु हिमाचल के बारे आप खामोश क्यों हैं? हिमाचल में लार्ज स्केल पर भ्रष्टाचार हुआ और मामले दर्ज हुए ईडी में, सीबीआई में, अदालतों में, उनके बारे कार्रवाई करो ना। ये दंडनार क्यों रहे हैं? ये दंडनाने का कारण क्या है? जबकि सारे प्रूफ है, दिल्ली में भी मतलब देखिए आलीशान फार्म हाउस खरीदे गए और हिमाचल में भी। तो इसलिए मेरी आपसे प्रधानमंत्री महोदय आपसे ये निवेदन है कि हिमाचल भी भेजो ईडी और सीबीआई।